सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। क्यों ना बेफिक्र होकर सोया जाए, अब बचा ही क्या है जिसे खोया जाए। हार जीत पर नाम है, कोशिश हमारा काम है। आज का पंचांग 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 12:05 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र 4:00 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:24 से 1:57 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मीन राशि 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार, कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें, आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफ़ी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। दिन का कुछ समय धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको अद्भुत शांति महसूस होगी। आपकी स्थिति में सुधार आने से बजट व्यवस्थित हो जाएगा। अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाए रखें, किसी भी बात का असर आपकी योजना पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। लोगों के द्वारा आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। जब भी आप किसी व्यक्ति की मदद करने की इच्छा रखते हैं, उनकी जरूरत को ठीक से जरूर समझें। क्लाइंट के पास अटका हुआ पेमेंट जल्दी प्राप्त हो सकता है। पार्टनर और आपके बीच में बढ़ रहे असंतुलन को समझने की कोशिश करें। बीपी संबंधी समस्या ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। सावधानियां, आय के साथ साथ खर्चे भी बने ही रहेंगे। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद भी करनी पड़ सकती है। दूसरों के साथ मेल मुलाकात करते समय अपनी मान सम्मान का भी ध्यान जरूर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्य का सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। युवा वर्ग भी अपनी मित्रता के प्रति ईमानदार रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे बिना कही बातों और अनसुलझे मुद्दों के कारण दरार आ रही है। आप इस दर के कारण उन्हें सामने नहीं लाना चाहते कि कहीं इससे रिश्ता टूट ना जाए। हालांकि आज आप असामान्य रूप से सामना करने वाले मूड में रहेंगे और जो जो बातें आपको पसंद नहीं आई है उन सभी को बातचीत करके स्पष्ट करना चाहेंगे। बात करते हैं करियर की। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। ये भी आवश्यक है कि आप अपनी मन को ही व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित ना हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगी। बात करते हैं सेहत की। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायामों में करना ना भूलें। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे अजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान के तरीके में काफ़ी बदलाव करना होगा। खाने में अधिक मीठे से बचें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।